आरुष खड़ा हो जा। हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। सुबह के बज रहे हैं आज 6 और आज शिवरात्रि और बच्चों को स्कूल जाना है आज भी। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आज का। सारी सफाई हो गई है, सुबह के बज रहे हैं 7 और सारा काम हो गया है क्योंकि आज शिवरात्रि है। नहाएंगे वहाएंगे, पूजा करेंगे। आज शिवरात्रि है तो सब नहावा लिए हैं, तो आज काकुल का हाउस ड्रेस पहन के जाना है। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं जल चढ़ाने जा रही हूँ क्योंकि मैंने ना छत पे रख रखा है। हमने ना छत पे शिवलिंग और तुलसी माता है तो हम छत पे पूजा करते हैं। पर हम मंदिर में तो धूप जलाते हैं, पर हम जो पूजा जल वल जो डालते हैं वो हम छत पे डालते हैं। मैंने लोटे में ना थोड़ा सा दूध डाल रखा है, बाकी अभी पानी डालूंगी। कहीं सोच रहे होंगे वही इतना सा जल चढ़ाएगी क्या इस वाले पौड़े में। ठीक है, मैं पूजा कर लूँ फिर बात करते हैं। ये देखो कितनी सुंदर बिंदी लेके आई है रात को, शिवरात्रि स्पेशल बिंदी। कितनी सुंदर लग रही है ना, बहुत प्यारी लग रही है। अभी मैं यही लगाने वाली हूँ। आए काजल पहला पड़ा है, सारा काजल। हमारे कन्याएं आ गई है, अब हम कन्या बिठाएंगे। ओहो शर्माना, ये देखो ये जो कन्या है ना इसका नाम ना गोरा है। देखो खुशबू, ये खुशबू है, ये गोरा है। ये छोटी गोरा कहाँ है? ये छोटी बड़ी, ये छोटी, ये खुशबू है वो छोटी है। तो गोरा तो बोलती है इनकी मम्मी? नहीं मैं बोलती है ना कि चलो ये नोनू, ये बहुत छोटी सी खेलने आती थी हमारे घर, अब बड़ी हो गई है इसलिए शर्मा रही है, बड़ी हो गई। चीकु देख हाय। अब कंजक बैठी हुई है। कमाल की बात देखो, आज के टाइम में लड़कियां नहीं मिलती हैं, बड़ी मुश्किल से हमें 4 कंजक मिली हैं। बेटियां बहुत ज़रूरी होती है, देखो हमें कंजक ही नहीं मिली, 4 कंजक उठाई हमने आज। ड्रैग क्लीन हो रही है, देखा पापा का फोन आया, पापा का। दोपहर का बज रहा है 1 और अभी बच्चे स्कूल से नहीं आए, 1:30 बजे आएंगे, 1 की आरुष और 2 बजे काकुल। तो अभी मैं दिव्या को लेके हॉस्पिटल जा रही हूँ, आज उसको डॉक्टर ने बुलाया था, उसका अल्ट्रासाउंड होना है। ठीक है, तो फिर अभी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, आके बात करेंगे। अक्की का अक्की तेरा चल, बाहर छोटी मम्मी बैठी है ऑटो में। डॉक्टर ही नहीं मिला, अब कल जाना पड़ेगा हमें वापस। सुबह 9 बजे बुलाया था और हम गए 1 बजे, इसलिए बच्चों को भी मैंने स्कूल से ले लिया। जब रात की रोटियां बच जाए ना, तो ये रात की रोटियां बच जाए तो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। 1 कटोरी में घोलो नमक, चीनी नहीं नमक, 1 कटोरी में घोलो थोड़ा सा नमक, ले लो घी, फॉर्चून तेल जो भी लगाते हो पराठों पे, और 1 रोटी रखो। ये मेरे पापा करते थे, मेरे पापा की तरीका ये। और थोड़ा सा लगाओ इस पे घी ऐसे ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे करके नमक वाला पानी डाल दो और इसको पलट दो। ठीक है, ऐसे ही दूसरी साइड ये लगाओ और नमक का पानी लेके ऐसे कर दो, इससे रोटी पराठा जो है वो नमकीन भी हो जाएगा और एकदम ऐसे हो जाएगा, ये इतना सॉफ्ट हो जाएगा जैसे अभी बने हैं ये। ठीक है, ट्राई करके देखना। शाम के बजने वाले हैं 6 और आज हमारे माता की सेवा शुरू हो गई है, मसानी माता पे। अब मैं देखती हूँ माता के लिए हलवा बनाने जा रही हूँ, वो भी आटे का, और
माता पे अब हम बस 6 बजे से माता की सेवा शुरू हो जाएगी। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी माता की सेवा कि माता को कैसे तैयार करूंगी अभी और माता को कैसे भोग लगाएंगे आटे के हलवे का। आटे के हलवा बनाने के लिए पहले मैंने पानी उबलने रख दिया और एक फ्राई पैन ले लिया है। अभी मैंने इसमें आटा जो है ना उसको अभी मेरे को भूनना स्टार्ट, थोड़ा सा आटे को डाल के भूनना, ब्राउन करना है मतलब कि आटे को अच्छी तरह। और आटे को डालने के बाद चलाते रहना है, लगने नहीं देना कि वो लग गया नीचे, फिर कड़वापन आ जाएगा नहीं तो आटे हलवे में। इस आटे को ना अच्छी तरह भूनना है। बताऊँ जो सूजी का हलवा होता है ना उससे ज़्यादा टेस्टी आटे का हलवा होता है और हमारे यहाँ तो हरियाणा में बहुत खाते हैं। ठीक है, अभी ये अच्छी तरह भून गया, इसके अंदर घी डालना है और घी में बिल्कुल भी कंजूसी भी करनी है, घी भर भर के डालना है अच्छी तरह, खूब सारा घी डालना है। अब जो थोड़ा खाता है वो थोड़ा डाल सकता है, हमारे घर में तो खूब ज़्यादा तेल घी पसंद करते हैं हलवे में, इसलिए मैं ज़्यादा घी डालूँगी और इसी के अंदर अच्छी तरह मैं भून लूँगी आटे को और जो थोड़ा बहुत कच्चापन होगा वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरह भूनते रहना है अभी। अब इसके अंदर क्या करना है ना, चीनी डाल देनी हमको इसके अंदर ही, जैसा भी आपको खाना हो जितना भी मीठा पसंद हो उतना डाल दो उसमें चीनी। अच्छी तरह चीनी को मिक्स कर लेना है इसके अंदर ही, क्योंकि आटे का हलवा ना पानी डालते एकदम से ही हो जाता है, इसीलिए मैंने पहले इसलिए पानी उबाला था कि पानी कच्चा ना रहे, उबला हुआ पानी इसमें डालना है और जितना हमें चाहिए उतना ही डालना, ज़्यादा भर के भी नहीं डालना, ज़्यादा कम भी नहीं डालना। तो अभी मैंने पानी डाल दिया, इसको चलाते रहना अच्छी तरह हलवे को। ठीक है, अभी जब चलाते चलाते एकदम लगना ख़त्म हो जाए कि आप नहीं लग रहा है और बिल्कुल एकदम से जहाँ पे आप पलट रहे हो वहीं को हलवा पलटे जा रहा है, तो समझ लो कि हाँ भाई हलवा बन चुका है बिल्कुल। ठीक है, तो अभी रेडी है, तो अब सर्व करते हैं माता के लिए। अब माता को भोग लगाने जा रही हूँ, मैंने माता का प्रसाद ले लिया है और मैं मंदिर जा रही हूँ माता को भोग लगाने। तो ये है मंदिर में काली माता और ये है मसानी माता, थोड़ी भीड़ है इसलिए मैं नहीं डाल पा रही हूँ।